नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक और जॉब नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आप देख रहे हो थंबनेल में कि आपने ITBP की एक नई रिक्वायरमेंट निकली है दोस्तों, जो आपके यहाँ पे देखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे ITBP की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एक नई जॉब नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए दोस्तों ये यहाँ पे ये वैकेंसी जारी की गई। कितनी वैकेंसी है, फिजिकल क्या क्या होने वाला है, क्या इसकी योग्यताएं होने वाली है और आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले, इन सभी वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, कब से आवेदन होंगे, कितने पद होने वाले हैं और ड्राइवर में क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, जो हम उसके उसकी योग्यताएं पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम योग्यताएं पूरी करते हैं तो हमें फॉर्म अवश्य ही लगाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे ये एक नई भर्ती है और लेटेस्ट जो भर्ती का नोटिफिकेशन है, ये जारी किया गया ITBP के द्वारा, और कब जारी किया गया ये भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ITBP के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों ITBP के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि कहाँ से क्या क्या इसके आवेदन होने वाले हैं। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट देख रहे हैं ITBP की तरफ से, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों ये आवेदन जो फॉर्म है यहाँ पे रिसीव किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ITBP के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड द एलिजिबल मेल कैंडिडेट्स, मेल इंडियन कैंडिडेट दोस्तों, मेल के लिए आवेदन किए गए, केवल मेल के लिए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे मेल कैंडिडेट्स, ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए आवेदन किए गए हैं, ना कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और कि सिटीजन्स ऑफ द इंडियन एंड नेपाल और भूटान, दोस्तों नेपाल और भूटान के साथ साथ इंडियन जो सिटीजन है उनके साथ साथ यहाँ पे नेपाल और भूटान के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आवेदन स्वीकार किए। और दोस्तों, ये ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी की यहाँ पे पोस्ट है और केवल मेल कैंडिडेट यहाँ पे, फीमेल कैंडिडेट दोस्तों, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ नहीं है, केवल ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए ये है, साथ ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और बात करते हैं नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल है और पदों की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन मोड स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पे आवेदन मोड क्या रहेगा इसका, ऑनलाइन आवेदन मोड यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, अन्य ऑफलाइन मोड यहाँ पे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ITBP मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर अंडर में आती है, मतलब ये दोस्तों अर्धसैनिक जो बल होते हैं, अर्धसैनिक जो बल होते हैं उनके अंदर ये आती है ITBP फोर्स, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स दोस्तों। ITBP किसके अर्धसैनिक बलों में आती है और यहाँ पे इसके आवेदन स्वीकार किए। आवेदन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों, आवेदन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आवेदन कितने मांगे गए हैं, यहाँ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कितनी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे वैकेंसीज की संख्या हम देख लेते हैं दोस्तों कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो वैकेंसीज देखते हैं कॉन्स्टेबल ड्राइवर की, टोटल 458 यहाँ पे वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है, 458 वैकेंसीज यहाँ पे ITBP की तरफ से जारी की गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 195 है, SC के लिए दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 74 है, ST के लिए 37 है और OBC के लिए 110 सीटें, जबकि EWS के लिए यहाँ पे 42 सीटें रिजर्व की गई है। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए यहाँ पे 10% जो सीटें हैं रिजर्व रखी गई है, 10% सीटें किन के लिए, यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों यहाँ पे रिजर्व रखी गई है 10% यहाँ पे सीटें। और बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन मोड है या इसका नोटिफिकेशन आपको जो रिक्वायरमेंट जो दोस्तों ITBP की साइट है recruitment.itbp, उस पर भी जाके आप क्या कर सकते हो, इसका आवेदन फॉर्म या आवेदन चेक कर सकते हो या वहां से आप आवेदन देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये पदों का विवरण दिया गया है, पद का विवरण आप देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं, 458 टोटल पद हैं और जिनमें से कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, 195 जनरल के, 74 SC के, ST के 37 और 110 OBC के, साथ ही 42 EWS के यहाँ पे आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पे recruitment.itbp.nic.in पर जाके आप इसका जो आवेदन है वो देख सकते हो, साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी के साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट आवेदन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 10% जो सीटें मैंने आपको बताई थी वो एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई, यहाँ पे आप देख सकते हो 10% जो सीटें हैं किन के लिए, यहाँ पे एक्स सर्विस मैन जो है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई। यहाँ पे हम देख पा रहे हो कि 10% जो सीटें हैं रिजर्व फॉर एक्स सर्विस मैन इन केसेस द वैकेंसी रिजर्व द एक्स सर्विस मैन रिमेन्स अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट, सेम शैल बी फिल्ड बाई नॉन एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे 10% सीटें किन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई। तो ये आवेदन के और योग्यता की बात कर लेते हैं तो
दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए क्या दोस्तों, 21 से 27 वर्ष के बीच आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे एज होनी चाहिए। 21 से 27 वर्ष के बीच की बात करते हैं तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो आपकी शैक्षणिक और साथ दोस्तों यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट और हाईलाइट करते हुए यहाँ पे डाली गई है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे बोला गया है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों 10वीं पास, ओनली केवल 10वीं पास यहाँ पे आपको आवेदन कर सकते हो। और आवेदन की जो आयु सीमा है उसका निर्धारण कब से किया है दोस्तों, यहाँ पे 21 दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ डिटर्मिनिंग एज लिमिट क्लोजिंग डेट, मतलब डेट जो क्लोज होगी दोस्तों यहाँ पे 26 जुलाई दोस्तों 26 जुलाई दो 26 जुलाई की बात हो रही है यहाँ पे। 26 जुलाई को आवेदन की समाप्ति की तिथि है, उसी दिन से यहाँ पे एज काउंटिंग की जाएगी। और यहाँ पे बहुत बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 27 जुलाई 1996 से और 26 जुलाई 2002 के बीच में यहाँ पे जन्म होना चाहिए। इससे दोस्तों पूर्व और या इसके पश्चात 26 जुलाई 2002 के बाद में और 27 जुलाई 1996 से पहले यहाँ पे बात करते हैं तो पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और साथ ही इधर बात कर लेते हैं तो इसके बाद का क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जन्म नहीं होना चाहिए। तो मतलब इन दोनों तिथियों के बीच का क्या दोस्तों यहाँ पे जन्म होना चाहिए, साथ ही तिथि को भी यहाँ पे काउंट नहीं किया गया। तो दोस्तों ये एज यहाँ पे बात हुई, एज का क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एज का क्राइटेरिया कितना हो गया यहाँ पे 1996 से 2002 के मध्य की बात हो रही है। और 21 से 27 वर्ष यहाँ पे एज का यहाँ पे एज लिमिट ली गई है दोस्तों। सभी लगभग वैकेंसीज में आपने देखा होगा कि 18 साल के बाद में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या रखा गया है यहाँ पे 21 साल से दोस्तों यहाँ पे 21 साल की से और 27 साल की जो यहाँ पे एज का जो लिमिट दिया गया है 1996 से 2002 के मध्य और साथ ही 10वीं पास और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे योग्यता जोड़ी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो हम इसी में यहाँ पे फीस का बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आवेदन शुल्क कितना लगना है। यहाँ पे आवेदन शुल्क दोस्तों यहाँ पे ₹100 निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क कितना रुपया, यहाँ पे ₹100 आवेदन शुल्क निर्धारित किया है। साथ ही बात करते हैं इसमें जो आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला, क्या किस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते तो फिजिकल PET टेस्ट होगा, साथ ही PST टेस्ट होगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पे रिटर्न जो आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद में यहाँ पे प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट, मतलब आपको ड्राइविंग यहाँ पे करके दिखानी होगी। साथ ही यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपकी मेरिट छटने वाली है। यहाँ पे इसके आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मतलब पहले होगा आपका PET, उसके बाद में जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके यहाँ पे वेरीफाई होंगे, और फिर उसके बाद में आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में यहाँ पे फाइनल यहाँ पे आपका मेडिकल रिव्यू होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, या बोल सकते हैं आपकी सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी इसके द्वारा, ITBP के द्वारा। और बात कर लेते हैं तो ITBP के बारे में इंफॉर्मेशन और साथ ही आवेदन करने के लिए दोस्तों आप ITBP की जो रिक्वायरमेंट साइट है यहाँ पे requirement.itbppolice.nic.in पर यहाँ पे जाके आप विस्तृत आवेदन पत्र देख सकते हो, या फिर यहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं आवेदन ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी यहाँ से प्राप्त होंगी दोस्तों आपको, साइट से आपको मेल से या दोस्तों मोबाइल से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी कब आपके आवेदन होने वाले हैं, या कब आपके जो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म जो पेपर होने वाले हैं फॉर्म सबमिट के बाद में जो भी डेट आएगी आपकी, वो आपको मोबाइल से या ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन टू एक्सेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट। मेडिकल एग्जामिनेशन केवल यहाँ पे कैंडिडेट के फिटनेस के रिगार्डिंग होगा, यहाँ पे कंडक्टिंग इन द यूनिफॉर्म गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पे केवल फिटनेस के पर्पज से यहाँ पे आपका मेडिकल होगा तो नॉर्मली होगा दोस्तों यहाँ पे। और बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड यहाँ पे कब कब होने वाला है यहाँ पे स्टार्टिंग आवेदन, तो यहाँ बात करते हैं 27 जून 2023 से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो ओपन कब से हो चुके हैं, 27 जून 2023 से हो चुके हैं। और बात कर लेते हैं क्लोज कब हो जाएंगे, 26 जुलाई 2023 को यहाँ पे, मतलब एक मंथ दोस्तों यहाँ पे एक मंथ की बात हो रही है, यहाँ पे एक मंथ आपको आवेदन करने का यहाँ पे प्राप्त होता है। और बात करते हैं तो 26 जुलाई 2023 को यहाँ पे 12 बजे लगभग 11:59 तक यहाँ पे आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
और बात करते हैं 27 जून की, तो 27 जून से आवेदन स्टार्ट होते हैं और 27 जुलाई तक ये दोस्तों यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पूरा जारी किया गया है। किसके द्वारा? आईटीबीपी के द्वारा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें आप आवेदन कर सकते हो यदि आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं जो आपने हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन में पूरे में देखी। यदि आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो दोस्तों हम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से आप इसका लिंक यहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाले हर एक जॉब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही तैयारी से रिगार्डिंग आपको यहां पे क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों, और करंट अफेयर की रेगुलर मैं यहाँ पे क्लासेस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पे हमने आईटीबीपी के बारे में पढ़ा। यदि आपका सपना है कि दोस्तों देश की सेवा करने का और आईटीबीपी अर्धसैनिक बल या सैनिक बल दोस्तों यहाँ पे पुलिस फोर्सेज में जाने का, तो ये आपके लिए बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों इतनी अधिक मात्रा में वैकेंसी आना एक दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि 458 पोस्टेज यहाँ पे ड्राइवर के लिए आई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट हमने देख ली और नेक्स्ट में एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। और इसका विस्तृत नोटिफिकेशन दोस्तों जिसमें आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, पीईटी पीएचटी में क्या क्या होने वाला है, तो मैं उसका भी एक वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें से आपको ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो नई वीडियो में नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।